नमस्कार। आज की वीडियो में वकालत में व्यावसायिकता और जिसमें विषय है वकालत की कला, और हम लोग एक संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त यानी कि हम लोग बहुत थोड़े समय में बात करेंगे कि हम अगर वकालत कर रहे हैं तो सफल अधिवक्ता कैसे बने, इसके लिए हम लोग पूरा वीडियो देखें। चारित्रिक विशेषताएं, अधिवक्ता की चारित्रिक विशेषताएं एवं ज्ञान उसे सफल बनाती है। कोई तथ्य भले ही कमजोर हो परंतु उचित रीति से प्रस्तुत करने पर वह अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। बहुत कम नौजवान अधिवक्ता हाव भाव तथा न्यायालयी तौर तरीके पर उचित ध्यान देते हैं, परंतु ये सभी वस्तुएं अधिवक्ता की सफलता के लिए आवश्यक हैं। उच्च चारित्रिक रीतियां किसी भी अधिवक्ता को शक्तिशाली बनाती है। उच्च चारित्रिक रीतियों से अधिवक्ता जीवन में सफलता प्राप्त करता है। किसी मामले का अभिवचन करना अधिवक्ता की कला होती है। अधिवक्ता को अपने अभिवचन में कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, अपितु उसे तथ्यों से सत्यापित करना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वह अपने समक्ष समस्त पदार्थों का सर्वोत्तम प्रयोग करे जो उसे उसके मुवक्किल द्वारा प्रदान की जाती। इसका मतलब है कि बीइंग एन एडवोकेट, आप अपने से कोई भी साक्ष्य डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब कोई भी केस फाइल होती है तो उसमें एक शपथ पत्र होता है जिसमें अधिवक्ता यह शपथ लेता है कि जो भी साक्ष्य डॉक्यूमेंट न्यायालय को प्रस्तुत किया जा रहा है वह मुवक्किल से प्राप्त हुआ है। गुण किसी व्यक्ति को सफल अधिवक्ता बनाने के लिए आवश्यक है। पहला, विधि और सामान्य ज्ञान। अधिवक्ता का प्रथम अस्त्र विधिक ज्ञान है। इसका मतलब अधिवक्ता विधि ज्ञान से अवश्य अवगत रहे, तभी खोज सकेगा कि अमुक विधि कहाँ से प्राप्त की जा सकेगी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी एडवोकेट अधिवक्ता सभी प्रकार के जैसे क्रिमिनल, सिविल, टैक्सेशन, अलग अलग कई प्रकार के अधिकरण हैं जैसे रेलवे, परिवहन निगम, LIC, उसको इतनी जानकारी होना चाहिए कि कोई भी अगर केस है तो उसको सभी विधि की जानकारी तो नहीं है, परंतु वह यह जानता रहे यह विधि कहाँ से प्राप्त हो सके। इस प्रकार बिना किसी शिक्षा के पृष्ठभूमि से कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें मुझे न्याय मिल सकता है तो किस प्रकार से मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। मधुर वाणी, अगर आप एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का स्वर उसका उचित व्याख्याकार होता है। अधिवक्ता की भाषा उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वस्तुओं के स्तर का द्योतक है। अगर आपका मुवक्किल किसी बात को बार बार दोहरा रहा है
तो वह आपके पास यह आशा लेकर आया है कि वह अपने जिस केस के कारण आपके पास आया है उसमें विजयी हो, और वह चाहता है कि हमारी बात हमारे अधिवक्ता तक पूरी तरह से पहुंचे, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए आप वहाँ खड़ूस वाला व्यवहार नहीं करेंगे कि नहीं आप चिल्लाने लगी है कि ये एक बात एक ही बार, या मैं सुन चुका हूँ, या मुझे समझ आ चुका है। इसके बाद शब्दों पर अधिकार। विधि वृत्ति में आपके शब्द विधिक और अर्थपूर्ण होने चाहिए। मतलब आप अगर किसी मुवक्किल से मिलते हैं तो भी आप एक प्रोफेशनल की तरह मिलेंगे, वह एक अलग मुवक्किल के ऊपर आपकी छवि को दर्शाता है। भूल कर भी अपशब्द ना हो, अपशब्द का प्रयोग से बचें। शब्द में दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, क्योंकि शब्द ही आपको श्रेष्ठ बनाता है। आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास, साहस तथा स्पष्टवादिता। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे अधिवक्ता के रूप में आप आगे बढ़ें, तो आपके पास साहस होना चाहिए, और केस में क्या हो सकता है उसको आप स्पष्ट बताइए। क्योंकि कितना भी अच्छा केस हो, उसका परिणाम आपके हिसाब से नकारात्मक आ सकता है, और कितना भी बुरा केस हो उसमें सकारात्मक निर्णय आ सकता है। इच्छा शक्ति, विधिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर विधिक ज्ञान नहीं होगा तो आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से कमज़ोर होगा। बौद्धिक क्षमता, आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि आपका मुवक्किल आपसे क्या चाहता है। नियमितता, अगर आप शाम को अपने चैम्बर में बैठते हैं तो आपको नियम से एक नियम बनाना चाहिए कि हमें 7 to 10, 7 to 9 हमें अपने चैम्बर में समय देना है। इसके अलावा आपको नियमित तौर पे कोर्ट परिसर में भी जाना चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास, आपके मुवक्किल का विश्वास हो कि हमारे वकील साहब जरूर उनसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट, मामलों का प्रबंधन। वाद संबंधित सूचना इकट्ठा करना, विचार करना, साक्ष्य और संलग्नक, गवाहों की परीक्षा, निर्णयज वाद का प्रोद्धरण। आप गवाहों की परीक्षा, निर्णयज वाद का प्रोद्धरण, रेफरेंस, कोई केस आपके पास आता है तो अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि अमुक केस में किस केस का रेफरेंस दिया जाए, जिससे न्याय हमारे पक्ष में आ सके। साक्ष्य और संलग्न, यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि फलाने केस में किस तरह से हमें अनेक्जर संलग्न करना है। साक्ष्य, जो भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं वो सर्टिफाइड लगेगा या फोटोकॉपी से काम चल सकता है। वाद संबंधित सूचना इकट्ठा करना,
इसका मतलब है कि अगर कोई वाद आप किसी मॉक से ले रहे हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट, साइन, थंब एक्सप्रेशन, वकालतनामा, किन वस्तुओं की जरूरत हमें पड़ सकती है, उसका प्रबंधन बहुत आवश्यक है। अगर आप एक बार अपने मुवक्किल से बोलते हैं कि हमें आप आके यहाँ पे साइन करिए, 2 दिन बीत जाते हैं तो आप बुलाएंगे अंगूठा लगाइए, फिर आप बताते हैं मुझे FIR कापी चाहिए, या आप बोलते हैं कि खतौनी की कापी चाहिए। अगर आप एक ही केस के लिए अपने मुवक्किल को बार बार बुलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका मुवक्किल आपसे परेशान हो जाएगा, और यह ठीक नहीं होगा। इसके बाद कुछ अन्य बातें जैसे नैतिकता, बीइंग एडवोकेट, आपकी क्या नैतिकता होनी चाहिए कि अगर आप किसी के एडवोकेट के रूप में आपने वकालतनामा साइन किया है तो यह आपका कर्तव्य है कि उसका भला हो, आप उसमें दलाली न करें कि पता चले आप दूसरे एडवोकेट से मिलके आप पैसा खा के उसका केस खराब कर दीजिए। नैतिकता बहुत बड़ा विषय है, इस पे आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बौद्धिक योग्यता, ये भी बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन बौद्धिक योग्यता से यहाँ तात्पर्य ये है कि अगर आपका मुवक्किल आपको डॉक्यूमेंट देता है, कुछ तथ्य बताता है, तो आगे किस तरह से आप उसको डील करेंगे यह आपके बौद्धिक योग्यता पर निर्भर करता है। वित्तीय आचार, आप अपने मुवक्किल के साथ या बार बेंच की जो प्रथा चली आ रही है उसमें आपका आचार व्यवहार सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जज के सामने खड़े हैं और आपका एक्सप्रेशन, आपके शब्दों का प्रोनंसिएशन या आपके हाव भाव गलत हो, ये सब इसी में आता है। और लास्ट है कठोर परिश्रम। विधि व्यवसाय में आप अगर प्रवेश करते हैं तो कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, यह सभी व्यवसाय के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ कुछ लोग आते हैं सोचते हैं चलिए LLB का बना देंगे, लुच्चा लफंगा बदमाश, तो वो पूरे जीवन पर्यंत लुच्चा लफंगा बदमाश के ही जैसे घूमते रह जाते हैं। यह व्यवसाय बहुत ही प्रोफेशनल है, ये हंसी मजाक का खेल नहीं है। आपके छोटे से हंसी मजाक से किसी का जीवन खतरे में जा सकता है, किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए यहाँ कठोर परिश्रम का आशय है कि आपको संबंधित विषय की जानकारी के लिए अध्ययन करना होगा, क्योंकि बिना अध्ययन के आप उसमें उद्धरण पेश नहीं कर पाएंगे, रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, सही तरह से कोर्ट में अपनी बात नहीं रख पाएंगे, पक्ष नहीं रख पाएंगे, और ऐसे में वो केस खराब हो जाएगा।
और आप पराजय का मुंह देखेंगे। और इसके ही साथ साथ आपका यह विधि व्यवसाय निश्चित रूप से गर्त की ओर बढ़ेगा। इसलिए नैतिकता, बौद्धिक योग्यता, वित्तीय आचार और कठोर परिश्रम, इन विषयों पर ध्यान देते हुए अपने नए प्रोजेक्ट की ओर बढ़ें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि कानून संबंधित नए नए वीडियो समय समय पे अपलोड किए जाएंगे। और उसकी सूचना आपको समय समय पर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।